नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे टीडीएस टेलीप्राइम के साथ टीडीएस कैसे एंट्री करेंगे। टीडीएस का फुल नेम है टैक्स डिडक्टेड एट श्योर्स, यानी हम कोई भी पार्टी से किसी भी प्रकार की सर्विसेज लेते हैं और उसका जो बिल होता है तो उसमें से हम टीडीएस काट लेते हैं और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भरना पड़ता है। यहाँ पे हम एग्जांपल लेके चलेंगे। जैसे हमारी कंपनी का नाम है काव्या मोबाइल स्टोर। काव्या मोबाइल स्टोर के अंदर सबसे पहले हम लेजर्स क्रिएट करेंगे टीडीएस के लिए। जैसे हमने एडवर्टाइजिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया जी न्यूज़ को कि भाई 2 लाख का हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो जी न्यूज़ वो पार्टी हो गई हमारी, जी न्यूज़ लिमिटेड, यानी उनके जो भी न्यूज़ आते हैं उसके बीच में हमारी एक एडवर्टाइज रहेगी। तो इसके पास हम सर्विस लेते हैं, तो सन्डे क्रेडिटर ले लिया, यहाँ पे यस करेंगे टीडीएस में। टीडीएस को सबसे पहले हम इनेबल करेंगे F11 में जाके, वो शुरुआत में ही हम जब कंपनी क्रिएट करते हैं उसमें आ जाता है। अभी हम यहाँ पे कंपनी क्रिएट करेंगे, कंपनी रेसिडेंट यानी जी न्यूज़ एक कंपनी है, फिर इंटर किया तो ये हमारा सेव हो गया। फिर एक दूसरा लेजर बनाएंगे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, इसके अंदर बोलेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ पे एप्लीकेबल करेंगे। देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर लिख के आया हुआ है, अगर ये डिफाइन नहीं किया है तो हम वहाँ पे जाके नया क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ऐसा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पेमेंट टू, ब्रैकेट में लिख देता हूँ सब कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ पे सब डिटेल हमें पूछ रहा है, अभी हम यहाँ पे कोई डिटेल नहीं डाल रहे हैं। फिर एंटर किया, अभी हमने यहाँ पे 2 लेजर कंप्लीट कर लिया। तीसरा एक लेजर बनाएंगे हम टीडीएस का, TDS on advertisement, यानी advertisement के ऊपर हम TDS काटेंगे, तो मैं यहाँ पर TDS on advertisement अकाउंट ऐसा मैंने लिख दिया। यहाँ पर लेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये हो गया ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पर ले लिया TDS, यहाँ पर ले लेते हैं पेमेंट टू सब कॉन्ट्रैक्टर, तो ये हमारा TDS का हो गया। हमने यहाँ पर 3 लेजर क्रिएट किए, अभी उसकी हम वाउचर एंट्री करेंगे। वाउचर एंट्री में TDS की एंट्री के लिए F7 जर्नल में जाना पड़ता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, तो यहाँ पे ले लेते हैं 2 लाख, यानी 2 लाख का हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया है। एग्जांपल लेके चलते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं, भाई हमने किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो जी न्यूज़ वालों को, तो अपने आप यहाँ पे 1,60,000 कट के आ गया। फिर यहाँ पे न्यू रेफरेंस, तो देखिए यहाँ पे 1,60,000 में लिखना है, एंटर किया और बाकी के TDS के काट लेना है, यानी ये हमें इनकम टैक्स को भरना है। अभी यहाँ पे हमने एक JV बना दी है, एडवर्टाइजमेंट का 2 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, तो जी न्यूज़ वाले ने हमें 2 लाख का बिल दिया, जी न्यूज़ को हम पेमेंट करेंगे 1,60,000 का, और TDS यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हमारा जो TDS हमने काटा है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भरेंगे, तो यहाँ पे हमने एंटर कर दिया और इसको सेव कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पे F5 बटन प्रेस करते हैं, यानी सब पेमेंट करते हैं। तो जैसे हम एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट कर लेते हैं पहले, तो एडवर्टाइजमेंट सॉरी जी न्यूज़ का पेमेंट करते हैं, तो उसको हम 1,60,000 का पेमेंट करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस, जो यहाँ पे पेंडिंग बिल था वो यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया जी न्यूज़ लिमिटेड का पेमेंट, और दूसरा पेमेंट करेंगे हम TDS का, तो ये भी यहाँ पे इस तरह से हम एंट्री कर सकते हैं। अभी हमारे पे कैश वगैरह नहीं है, लेकिन हम एंट्री सीख रहे हैं, अकाउंट की एंट्री यानी TDS की एंट्री कैसे करते हैं वो सीख रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस ये एंट्री को हम ख़त्म करें उसके बाद डे बुक में जाके भी हम उसका चलन देख सकते हैं, और अगर यहाँ से भी हमें चलन देखना है तो अल्ट पी करके आई बटन प्रेस किया तो यहाँ पे चलन में दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, ये चलन लेके हमें बैंक में जाना है और इसका पेमेंट कर देना है।
बैंक एक सिल मार के देगा और हमारे अकाउंट में यानी 10 नंबर जो होता है उसमें हमारा पेमेंट चला जाता है। ओके दोस्तों, तो ये हमारा TDS का एंट्री कंप्लीट हो गया। और TDS रिपोर्ट में देखना है तो हम रिपोर्ट में जाके देख सकते हैं। TDS रिपोर्ट यहाँ पे जो भी TDS आउटस्टैंडिंग वगैरह होगा तो यहाँ पे देखेगा, यानी यहाँ पे TDS के सब रिपोर्ट भी अवेलेबल है टेलीप्राइम के अंदर। दूसरी चीज कि मैंने ये कंपनी में पहले से इनेबल करके रखा था, अगर इनेबल नहीं है तो यहाँ पे F11 करके इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट शेयर्स में जाके हम यहाँ पे जाके यस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब डिटेल हमें भरनी है, हमारा 10 रजिस्ट्रेशन नंबर होता है 10 नंबर का, वो यहाँ पे लिखना पड़ता है, कंपनी है डायरेक्टर टाइप वो सब लिखना पड़ता है, ये सब एंटर करते जाइए। और जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसका नेम लिखना है तो यहाँ पे जाके यस करेंगे, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पर्सन का नेम भी लिख सकते हैं। तो TDS को जिस तरह से GST इनेबल करते हैं उसी तरह से TDS को भी टेलीग्राम में जाकर इनेबल करना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अभी आगे और भी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देखते रहिए।